अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। हाँ नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहाँ से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर तू घर पे आ जा। हाँ हम लोग साथ में चलते। ठीक है। कहाँ जा रहा है? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बना कर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कांग्रेस के विज्ञापन गुस्सा आता है कि हवा निकालने में लगे हैं। शिवराज सिंह ने त्योथर में भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल द्विवेदी के लिए जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रीवा के त्योथर में एक चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान ने सभा के माध्यम से कांग्रेस सरकार के विनाश और भाजपा के विकास की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में केवल गड्ढे हुआ करते थे, केवल खंभे हुआ करते थे। उन गड्ढों को रोड में बदलने और खंभों में बिजली लगाने का काम भाजपा के 15 साल के शासन में हुआ। वहीं मीडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीवी में एक विज्ञापन आता है जिसमें एक कलाकार से कहलवाया जाता है कि गुस्सा आता है। शिवराज ने कहा, गुस्सा आम जनता को नहीं, ये गुस्सा कांग्रेस के लोगों को आता है। आजकल टीवी पे कांग्रेस का एक विज्ञापन आता है जिसमें वो कहते हैं, किसी से कहलवाते हैं, किसी कलाकार से, कि गुस्सा आता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपको शिवराज पर गुस्सा आता है क्या? गुस्सा कांग्रेस को आता है। हाँ मुझ पर कांग्रेस ही गुस्सा है, उनको गुस्सा आता है। और उनको गुस्सा इसलिए आता है कि उन्होंने तो विकास विकास कभी किया नहीं, मध्य प्रदेश को बीमारू बना के रखा था। हम सड़कें बनवाते हैं तो उनको गुस्सा आता है, हम पुल बनवाते हैं उनको गुस्सा आता है, हम स्कूल खुलवाते हैं उनको गुस्सा आता है, हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं उनको गुस्सा आता है। अरे किसानों को कांग्रेस 18% ब्याज पे कर्जा देती थी, मैंने घटा के कर दिया 0%। हम 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिलवाते हैं तो कांग्रेस को गुस्सा
आता है। सभा में शिवराज ने कहा, कांग्रेस ने कभी कोई विकास नहीं किया, प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। हम सड़कें बनवाते हैं तो उनको गुस्सा आता है, हम पुल बनवाते हैं तो उनको गुस्सा आता है, हम स्कूल बनवाते हैं तो उनको गुस्सा आता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। हाँ नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहां से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर तू घर पे आ जा। हाँ हम लोग साथ में चलते। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बनाकर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।